अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B। कल हमने जो एक्सरसाइज 7B है उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और कुछ डेफिनेशंस हमने की थी, उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 था। 7B का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी उसमें भी ये डेफिनेशंस यूज होनी है। पहले हम ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज की क्या डेफिनेशंस हैं? ट्राई एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। कल जो हमने किया था वो हमने किया था ट्राई एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। आज जो हमने ट्राई एंगल्स की टाइप्स पढ़नी है वो हमने पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो एंगल्स के रिस्पेक्ट से ट्राई एंगल्स की 3 टाइप्स हैं। एक है एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल, सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राई एंगल, थर्ड है राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। तो पहले इनको हम 1 by 1 इनको अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल कौन सी ट्राई एंगल है? अ ट्राई एंगल इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल इफ ऑल ऑफ इट्स 3 एंगल्स आर एक्यूट। कोई भी ट्राई एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल ट्राई एंगल कब कहेंगे? जब उसके जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या हों? एक्यूट हों। एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, वो क्या थी? एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन हो। तो जो एक्यूट एंगल ट्राई एंगल है उसके तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस होंगे। अगर किसी भी ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस हों तो वो कौन सी एंगल, वो कौन सी ट्राई एंगल होगी? होगी एक्यूट एंगल ट्राई एंगल। ओके, अब जो मैंने इधर अब ट्राई एंगल बनाई है ए बी और सी, इसके तीनों एंगल्स देखें, एक 55 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है और एक 75 डिग्री का है। ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से क्या है? लेस हैं। तो मतलब ये कौन सी ट्राई एंगल होगी? ये होगी एक्यूट एंगल्ड ट्राई एंगल। सेकेंड क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राई एंगल। पीछे हमने ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से क्या होता है? स्मॉलर होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल कौन सी होगी? अ ट्राई एंगल इज सेड टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल्स इज ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि जो हमने ट्राई एंगल बनानी है अगर उसमें से एक एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो ट्राई एंगल कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल। एक्यूट जो थी उसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए थे, लेकिन जो ऑब्ट्यूज है अगर उसमें एक एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो वो कौन सी ट्राई एंगल हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से क्या हो? स्मॉलर हो। जैसे हमने ये ट्राई एंगल बनाई है एल एम एम, इसमें देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 35 डिग्री का, ये 115 डिग्री का। अब इसमें देखिए ये जो एंगल है 115 डिग्री, ये 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है? स्मॉलर है। तो इसमें मुझे एक एंगल मिल गया ऐसा, तो ये आप कौन सी ट्राई एंगल हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल हो जाएगी। थर्ड है राइट एंगल ट्राई एंगल। राइट एंगल ट्राई एंगल कौन सी होती है? राइट एंगल की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी, कि जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो अब राइट एंगल ट्राई एंगल कौन सी होगी? अ ट्राई एंगल इज सेड टू बी अ राइट एंगल ट्राई एंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कोई भी ट्राई एंगल है अगर उसमें से एक एंगल भी 90 डिग्री का हो जाता है तो वो कौन सी ट्राई एंगल बन जाएगी? राइट एंगल ट्राई एंगल। जैसे मैंने इधर ये ट्राई एंगल ड्रा किया है ए बी और सी, इसमें देखें ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो अब ये कौन सी ट्राई एंगल हो जाएगी? राइट एंगल ट्राई एंगल। तो स्टूडेंट्स आपने ये तीनों डेफिनेशंस कॉपी पे नोट करनी है और फिर इनको लर्न करना है।
और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप अपनी बुक से देखें एक्सरसाइज 7B पेज नंबर 1 में एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 बुक से अटेम्प्ट करना है। उसमें क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें इन ट्राइंगल्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। मैंने आपको ये तीनों एंगल्स बता दिए हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल्स का। तो अब आपने बुक से इन तीन सब ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, ये आपका टास्क है।